आपके लिए लेकर आई हूँ पानी पूरी की रेसिपी, जिसमें हम दो तरह का पानी बनाएंगे। एक तो चटपटा तीखा पानी बनाएंगे और दूसरा खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। और इस चटपटे टेस्टी पानी के साथ में हम पानी पूरी सूजी की बनाएंगे, तो बहुत ही फुली फुली पानी पूरी बनेगी और एकदम क्रिस्पी। तो जो मैं ट्रिक्स आपको वीडियो में बताऊँगी, उन सब ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी घर पर ही पानी पूरी बनाइए और आपकी भी पानी पूरी एकदम फुले फुले और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पानी पूरी के लिए हम बना रहे हैं दो टाइप का पानी। तो उसके लिए एक बाउल में हम यहाँ पर 50 ग्राम इमली लेंगे। इमली को सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। तो बिल्कुल खोलता हुआ पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्म करके आप इसमें डाल दीजिए। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और इमली आपको मार्केट से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पानी पूरी के लिए तीखा हरा पानी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है, तो जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो हरे धनिया को हम डालेंगे मिक्सी के जार में। और मैंने हरा धनिया डंडियों के साथ लिया है, क्योंकि बहुत बढ़िया टेस्ट आता है डंडियों से के साथ में जब हम इसको डालते हैं। अब इसी के साथ में मैंने इस तीखे हरे पानी का मेन इन्ग्रीडियंट लिया है पुदीना। तो बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, जिसको इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया और इसको भी हम डाल देंगे। तो पुदीना हमने यहाँ पर धनिया से कम लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी पूरी का जो पानी होता है वो थोड़ा तीखा और चटपटा ही अच्छा लगता है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट करके डाल देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ये पेस्ट है हमारा, ये एकदम से तैयार है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है। लेकिन इसके अंदर जो हरी मिर्च और अदरक के जो रेशे होते हैं, तो उनको हम छान लेंगे। इस वजह से इस पानी को हमें छान करके लेना है। तो बाउल पर एक छलनी रखेंगे और इसमें हम ये डाल देंगे। चम्मच से हिलाते हुए इसको छान लेंगे। ये देखिए, मोटे मोटे रेशे छलनी में ऊपर ही रह गए हैं और हमारा ये फाइन पल्प बाउल में आ गया है। अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, तो छलनी में डाल देंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सारा पल्प छन गया है। अब इस पानी को चटपटा बनाने के लिए हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस पानी में। 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती बट इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 2 चुटकी हींग पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। ये मैंने 1 नींबू के जूस को काट करके डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और चटपटाई पानी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसमें बूंदी लाइक करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बूंदी डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए और ना पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा तीखा चटपटा पानी बनकर तैयार हो चुका है। ये अब बनाते हैं खट्टा मीठा पानी। तो उसके लिए हमने जो 20-25 मिनट पहले ये इमली भिगो कर रखी थी, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा दबाते हुए, इस तरीके से क्रश करते हुए इसका पल्प तैयार कर लेंगे। तो पल्प तैयार है, अब इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर पल्प को हमने छान लिया है और इसमें सीड्स और जो रेशे हैं उनको हम निकाल देंगे और ये हमारा स्मूथ पल्प तैयार हो गया है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम ये पल्प ऐड कर देंगे। इसी के साथ में 100 ग्राम गुड़ को मैंने क्रश करके ले लिया है, इसको भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। अगर आप इसमें और मीठा चाहते हैं तो इसमें आप 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद है इसके अंदर तो फिर आप 100 ग्राम की जगह यहाँ पर 80 ग्राम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के मेल्ट होने पर इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब। 2 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बॉईल आ चुका है, 5 मिनट के लिए इसको और हम इसी तरीके से पका लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से पका लिया है, देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो बस गैस को बंद कर देंगे। अब जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
तो आप इसे पूरी तरीके से ठंडा होने पर किसी भी एयरटाइट जार में भर लीजिए और आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 महीने तक फ्रिज में रखकर। और जब भी आप पानी पूरी बनाएं, जब भी आपका मन हो पानी पूरी बनाने का, तो आप इससे खट्टा मीठा मीठा पानी बनाकर तैयार कर सकते हैं पानी पूरी के लिए, तो आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए हम इससे बनाते हैं अपना खट्टा मीठा और मस्त वाला पानी। तो उसके लिए एक बाउल में हम ये चटनी डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर आधी डाली है। अब 2 से 3 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक या लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बाकी मसाले तो हमने सारे डाले ही हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल ये पानी पूरी जो है का जो पानी है हमारा बनकर तैयार होता है। तो इसमें भी हम 2 से 3 चम्मच के करीब बूंदे डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, और अगर आपको ना पसंद है तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये पानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा इमली का खट्टा मीठा पानी भी बनकर तैयार हो चुका है। तो दोनों ही पानी हमारे तैयार है। अब इन दोनों ही पानी का टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आइस क्यूब। तो दोनों ही बाउल में डाल देते हैं और लीजिए ये हमारा चटपटा तीखा पानी बनकर तैयार है और ये हमारा इमली का खट्टा मीठा पानी बनकर तैयार हो चुका है। तो घर पर ही हमारा वो ठेले वाला जो पानी पूरी का पानी है ना, दोनों पानी हमारे बनकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी पानी हमारे दोनों ही बने हैं। पानी पूरी के लिए एक बड़ी सी परात ले लीजिए यहाँ पर। तो ध्यान रखिए बड़ा बर्तन ही आपको लेना है। उसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, ये लगभग 250 ग्राम है। तो पानी पूरी बनाने के लिए आपको थोड़ी मोटी सूजी यहाँ पर चाहिए, तो आप थोड़ी मोटी सूजी लीजिए। अब इस सूजी में हम 50 ग्राम के करीब गरम तेल डालेंगे। तो एकदम गरम ऑयल है और एकदम से इसमें आप हाथ ना दें, चम्मच से इसको मिक्स कर ले। तो तेल काफ़ी गर्म है, इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि तेल आपको ठंडा नहीं डालना है, गर्म ऑयल इसमें डालना है। तो सभी ट्रिक्स के साथ में आप इस पानी पूरी को बनाइए, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी आपकी पानी पूरी बनेगी और एकदम फूली फूली। अब मैंने यहाँ पर हल्का गर्म पानी ले लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे और इसका हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा हमें एकदम सॉफ्ट रखना है क्योंकि ये सूजी है, काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए आप घबराए नहीं। इसे बनाते वक्त सूजी को आप नरम डो लगा कर तैयार करें। ये देखिए एकदम नरम आटा मैंने लगा कर तैयार कर लिया है। तो आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी आपके जो पानी पूरी है वो फूले फूले बनेंगे। तो देखिए डो को मैंने नरम रखा है। अब यहाँ पर इस आटे को आपको इस तरीके से पटकना है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको आप पटकिए, इसकी मरम्मत कीजिए अच्छे तरीके से। और 10 मिनट का ये प्रोसेस है जो आपको ज़रूरी करना है। अब ये देखिए आटे को मैंने 10 मिनट के लिए इस तरीके से पटकते हुए बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लिया है और आटा हमारा एकदम नरम लगकर तैयार हुआ। अब हमें इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, तुरंत के तुरंत इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो साथ ही साथ मैंने एक काम और किया है, कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो छोटा छोटा पोर्शन हम इसका निकालेंगे पानी पूरी का, जैसे कि पानी पूरी होते हैं। तो इन छोटी छोटी लोई को मैंने इस तरीके से लंबाई की शेप दे दी है, क्योंकि सूजी के जो पानी पूरी होते हैं वो थोड़े लंबी शेप के होते हैं। अब इनको हम बेल लेते हैं। तो चकले पर एक लोई को रख लेंगे हम इस तरीके से और इसको बेल लेंगे। बस बेलन को ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इतना ही चलाएंगे और ये तैयार हमारी पूरी है। तेल को हमने यहाँ पर खूब बढ़िया गर्म कर लिया और इसमें हम डाल देंगे। तो बस आपको इसको चलाना नहीं है थोड़ी देर के लिए और ना ही इसको टच करना है, ये अपने आप तैर कर ऊपर आ जाएगी। तो ये खुद ब खुद फूल जाएगी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी पानी पूरी बनकर तैयार हुई है। जैसे इसमें एक साइड से कलर आ जाए इसको दूसरी तरफ से भी पलट दीजिए आप। तो ये बलून की तरह फूल चुकी है, इसको पलटना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अच्छा कलर आ चुका है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं इसको। तो निकाल लेंगे इसको हम। तो दूसरी भी हमने इसी तरीके से बेल ली है, इसको भी हम डाल देते हैं इनके अंदर। और ये भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं सारी पानी पूरी एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी फूल रही है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है, सारी बनकर तैयार होंगी।
तो उनको भी हम पलट लेंगे। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो आप क्या करें, एक एक पानी पूरी को बेलते जाए और कढ़ाई में डालते जाए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ढेर सारी पानी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम फुली फुली और बेहद क्रिस्पी। एक कप सूजी से हमारी ढेर सारी पानी पूरी बनकर तैयार हो गई है और इनमें से 3-4 पानी पूरी ऐसी है जो फूल नहीं पाई है। कोई बात नहीं, इनको हम साइड में रखेंगे, इनसे हम दही पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। और आपने देखा कि सारी पानी पूरी एकदम गुब्बारे की तरह फूली हुई है। सभी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी इन पानी पूरी को घर पर बनाकर तैयार कीजिए, बहुत ही बढ़िया पानी पूरी आपकी बनकर तैयार होगी। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। एक दूसरी पानी पूरी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, बेहद क्रिस्पी। जैसे कि होली आने वाली है, आप भी इन पानी पूरी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव के साथ में इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फेस पर एक प्यारे सी स्माइल के साथ साथ में एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कर दें इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।